हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और इसके पहले वाले वीडियो का आपको ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, नॉलेज लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ओके, तो सर हमारे जो हाइगेंस थे, हाइगेंस जो हमारे सर थे ना, मतलब जो चले लगभग न्यूटन के टाइम के थे, तो उन्होंने वेव थ्योरी दी और उस बेसिस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया, बताया कि हाँ देखो हम इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो सर न्यूटन जो है, आपकी जो थ्योरी है वो गलत और मेरी थ्योरी जो है वो सही है। ओके, क्योंकि आपकी थ्योरी कुछ और चीजें एक्सप्लेन नहीं करती, वो ठीक है, वो बात की बात है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम इस वेव थ्योरी के बेसिस पर हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 का जो है आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। ओके ठीक है, जरूरी है। अब देखो, जैसे हमने वहां पे बात करी थी कि हमारा जो वेव फ्रंट होता है ना, वो कैसे ट्रेवल करता है, वो कैसे प्रोपोगेट होता है, क्या फिनोमेना होता था वेव फ्रंट का, वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी थी। तो अगर आपको वेव फ्रंट अगर बनाने नहीं आएगा तो ऐसा समझ लो कि फिर आपको चीजें रटनी पड़ेंगी, समझ लो। नहीं तो अगर आपने वहां पर अगर सीखा है कि वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, तो एग्जैक्टली बहुत मजे से आपको ये चीज समझ में आएगी। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, है ना, इनके अलग अलग फिगर हैं। रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे ना, उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे हम प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो ये वाला हेडिंग लगा लो, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लगा लिया, चलो सर। तो आपने ये हेडिंग लगा ली, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। पहले हम इस रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि आखिर हाइगेंस ने कैसे ये प्रूव करना चाहा कि भाई ये देखो रिफ्लेक्शन हमने प्रूव कर दी। चलो, तो रिफ्लेक्शन देखो होने के लिए क्या चाहिए होगा, आपके पास एक ओपैक सरफेस होना चाहिए, मतलब एक मिरर होना चाहिए जिसके पीछे हम क्या कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। तो ये सब सारी बातें हम लोग रिफ्लेक्शन वाले में हम सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। तो हमने कहा सर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सरफेस है ना, ध्यान समझना, नोट्स की टेंशन मत लेना, यहां से चीजों को समझ लो, मजा आ जाएगा। जो चीजें हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं आप चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो या आप नोट से भी लिख सकते हो, मजा आ जाएगा देख करके। चलो, हमने कहा सर मान लेते हैं मेरे पास कोई एक सरफेस थी, ओके, एक्स वाई, कोई एक सरफेस थी एक्स वाई, है ना। अब एक्स वाई अब सरफेस है, अब देखो तो इस सरफेस पर आप कोई भी एक इंसिडेंट रे, मान लो कि इस पॉइंट पर आप एक इंसिडेंट रे फॉल कराओ, ये आपकी एक इंसिडेंट रे है। अब इस इंसिडेंट रे का नाम दे दिया जाए एस और बी, आप कुछ भी दे सकते हो, जिस तरीके से हम एक चीजों को हमने कैटेगराइज किया हम उस तरीके से चलते, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपकी मर्जी, बट एक समझ लो इस चीज को। हमने कहा सर ये हमारी एक सरफेस थी एक्स वाई, और एक्स वाई सरफेस पर हमारी सर एक कोई रे है जो एट बी पॉइंट पर फॉल हो रही थी, और हमने उस इंसिडेंट रे का नाम दे दिया सर एस बी। अच्छा, मान लेते हैं सर यहां पर एक और हमारी कोई एक दूसरी रे है, ठीक है, एक और कहीं पर भी जो कि इसी के पैरेलल हमारी एक दूसरी रे थी, है ना, पैरेलल होनी चाहिए। तो एक दूसरी रे है जो कि इसी के पैरेलल है, और ये मान लेते हैं सर कि ये हमारी यहां पर ये फॉल हो रही है, ये एक हमारी दूसरी पैरेलल रे है जिसका हमने नाम दे दिया समथिंग कुछ ए बी करके हमने नाम दे दिया, ठीक है, और ये हमारी ए बी नहीं, इसका कुछ और नाम दे दिया जाए, सी नाम दे दिया जाए, ओके, बी तो ऑलरेडी है, ए सी नाम दे दिया जाए, ओके, ए सी। तो हमने कहा सर ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे थी ए सी। अब देखो, अब सिंपल सी एक बात बताओ कि जब रिफ्रैक्शन होगा बच्चे, तो देखो क्या होगा, यहां से हमारी जो रे है वो इस तरीके से ये चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी ना, ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी, और यहां से जो रे है वो भी क्या होगी, इस तरीके से चली जाएगी, और दोनों की दोनों ही रे आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहते हैं सर कि अगर आप इस वाले इंसिडेंट रे पर एस बी पर और ए सी पर एट इंस्टेंट किसी भी टाइम आप एक वेव फ्रंट ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो आपको इसके लिए वेव फ्रंट का नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपसे बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि जो रे होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, याद आया, रे जो होती है वो हमेशा हमारी जो प्लेन होती है ना, जिसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, जो प्लेन सरफेस बनाते हैं, वो रे हमेशा हमारी उस सरफेस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम एट इंस्टेंट, मान लेते हैं एट इंस्टेंट पर्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट पर हमने एक वेव फ्रंट बनाया जो कि इस
बी को क्या करी थी, टच होते हुए हमने एक वेव फ्रंट बनाया, ये हमारी एक वेव फ्रंट है। और देखो यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है, वेव फ्रंट है और ये जो अब ये जो रे होंगी ये इस वेव फ्रंट पर कैसी होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, दैट मीन्स यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, यहाँ पर ये 90 डिग्री का, ये बात आपको समझ में आ रही है हमेशा, यही तो फैक्ट है ना। हमने क्या बताया था कि जो वेव फ्रंट हमारी जो रे होती है वेव फ्रंट से हमेशा कैसी एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बात फैक्ट है। अच्छा इतनी बातें आपको समझ में आई, देखो कुछ नहीं लिखा मैंने, बस सेम वही चीजें लिखी हैं मैंने जो आपको स्टार्टिंग बताया है कि एक्स वाई हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एस बी और ए सी हमारी, इस ए को थोड़ा सा हम यहाँ से ले लेते हैं ना, ये सही लगेगा। अब देखो एस बी और ए सी हमारी एक इंसिडेंट रे है, एस बी और ए सी हमारी एक इंसिडेंट रे है जो कि हमारी इस सर्फेस पर फॉल हो रही, चलो इतनी बात आपको समझ में आई। ओके ये हमारी भाई ये हमारी इंसिडेंट रे है एस बी और ए सी, चलो ठीक है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने कहा सर मान लेते हैं एट इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर हमने एक वेव फ्रंट ले लिया ए बी, ये हमारी एक वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी, ये समझ रहे हो ना, ये ए बी जो है ना ये हमारी एक वेव फ्रंट है, चलो हम छोटी सी वेव फ्रंट बना लेते हैं भाई, चलो ठीक है हमारी ये वेव फ्रंट है। कैसे सर वेव फ्रंट आपने सर ये कैसे बना लिया, मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जो रे होती है वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री होती है, ये देखो इस वेव फ्रंट के कैसे 90 डिग्री, ये वाली जो रे है इस वेव फ्रंट के देखो कैसे 90 डिग्री है। चलो अच्छा अब हमने इस वेव फ्रंट को कुछ ऐसा बनाया है कि इस वेव फ्रंट का जो बी वाला जो एज है वो हमारे इस सरफेस को टच कर रहा है ना। ओके और मान लिया देखो अब बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग का फिनोमिना हो, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में भाई हमारी जो पूरी की पूरी जो फिनोमिना होती है वो एक ही मीडियम में होती है, एक मीडियम से लाइट आई टकराई और वापस उसी मीडियम में चली गई ना, तो यहाँ पर हमारी स्पीड का भी कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा हम जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे इसमें पर्टिकुलर हम इसकी बात करें तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारी एक ही वेलोसिटी होगी जो कि होगी भाई एक ही मीडियम है ना, तो एक ही मीडियम की एक मीडियम में स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है वो हर जगह क्या होती है एक मीडियम की, अगर हम बात करें तो सेम होती है, हमारे ये सेम मीडियम है तो इसलिए हमने इसमें केवल वी लिया है, लेकिन हम जब बात करेंगे रिफ्रैक्शन की तो वहां पर हम वी वन और वी टू की बात करेंगे, फिलहाल वो बात की बातें हैं। तो हमने कहा सर ये हमारी चलो ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। देखो अब हमने कहा कि सर हमारी ये जो वेव फ्रंट है ना ए बी, अब हाइगेंस ने क्या कहा था कि इस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं पार्टिकल्स कह लो जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे एक्ट करेंगे एज अ वो हमारी हेल्प करेंगे नेक्स्ट वेव फ्रंट को क्रिएट करने के लिए। बात को ध्यान से समझना, हाइगेंस की बात को ध्यान से समझना, उन्होंने कहा था कि सर इस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या करेंगे हेल्प करेंगे। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, अभी अगर हम एक डायरेक्टली अगर वेव फ्रंट बना देना आपको कि सर ये कैसे आ गया, आप लोगों की सर मतलब ये सर कैसे बना दिया आपने, देखो मेरी बात को ध्यान समझो, यहाँ पर हम वही कंस्ट्रक्शन का यूज करने वाले हैं। हमने कहा कि सर इस वेव फ्रंट पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए एज एक सोर्स की तरह काम करेंगे। तो याद आया यहाँ पर इस पॉइंट से हम क्या करते थे एक सर्कल एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करते थे यहाँ से एक हेमिस्फीयर, ठीक है वो बात की बात है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मान लो कि अगर आपके पास ये अगर सरफेस नहीं होती, ये जो एक्स वाई जो सरफेस है ये सरफेस अगर आपके पास नहीं होती तो क्या होता, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये सरफेस अगर नहीं होता तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ही नहीं होता, और जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ही नहीं होता तो हम कहते सर हमारी जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है वो कुछ टाइम बाद जो टी टाइम बाद जो है समथिंग कुछ इस तरीके से बनती, और ये दोनों ही हमारी जो वेव फ्रंट है ना ये ए बी और मान लो इसका कोई भी नाम दे दो, सपोज कर तो हम इसको सी ई नाम दे दिए है ना, और ये जो हमारी ए बी है और ये जो सी आपस में देखो कैसी होती पैरेलल होती। अगर ये कब की बात करें, मेरी बात को ध्यान समझना, ये हम कब की बात करें, ये हम तब बोल रहे हैं जब हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तब, लेकिन ऐसा तो है नहीं, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अब हमारी रे इधर की तरफ चली गई है ना, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी इधर की तरफ चली गई है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इधर की तरफ अगर बनी है इसका मतलब कि वेव फ्रंट भी इधर की तरफ बना होगा। एक छोटा सा दिमाग लगाओ, अगर हम बोले सर आपसे कि इस रिफ्लेक्टिंग रे पर आप एक वेव फ्रंट ड्रॉ करो, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, अगर हम आपसे कहें कि इस रिफ्लेक्टिंग रे पर आप एक वेव फ्रंट ड्रॉ करो तो कैसे ड्रॉ करोगे, सर ये हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज है, अब इस पर अगर हमें वेव फ्रंट ड्रॉ करना होगा तो हम एक वेव फ्रंट हमेशा कैसी होती है, जो हमारी रे होती है हमेशा वेव फ्रंट की कैसी होती है परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स आप कुछ ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे, यही तो आपकी नेक्स्ट वाली वेव फ्रंट होगी। देखो ये जो अब मेरी बात को ध्यान सुनना थोड़ी देर के लिए समझो, इस वाले वेव फ्रंट को हमने मतलब एट इंस्टेंट हमने मान लिया था, हमने इसको कहा ये हमारी इंसिडेंट
ये हमारी इंसीडेंट वेव फ्रंट है, इंसीडेंट वेव फ्रंट है, ये वाली हमारी इंसीडेंट वेव फ्रंट है। आपने सर ये कैसे बना दिया? चलो हम अभी बात करते हैं हाइगेंस की जो समझ थी हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, लेकिन आप एक थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाओ। अगर आप हम क्या सर ये हमारी एक रे है, तो इस रे के अगर इस रे पर अगर आपको एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करोगे? इस रे के आप परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करोगे ना। देखो तो ये वाली आपकी एक नेक्स्ट वाली यानी कि ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गई। अब कैसे, यहां से थोड़ी सी मेरी बात समझ लो, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो क्या सर हमें अब क्या, अच्छा अगर हम इसका अगर देखो अगर हम इसका अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि सर यहां से अब ए आपके पास क्या है, मान लो कि आपके पास एक पॉइंट है ए, अब आप क्या करोगे? देखो आपके पास एक यहां पर पॉइंट है बी, अब ये वाली रे इधर तो जा नहीं रही है, तो आपने टी टाइम बाद इस बी पॉइंट को सेंटर लेकर के है ना वी टी की डिस्टेंस से आपने एक सेमी सर्कल या आपने एक हेमिस्फीयर आपने ड्रॉ किया होगा, तो ये जो हेमिस्फीयर है ये कुछ यहां पर ऐसे ड्रॉ हुआ होगा, ये होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। सिमिलरली कहीं भी आप अगर ड्रॉ करोगे इसको सेंटर मान करके आप अगर एक ड्रॉ करोगे तो एक बहुत बड़ा मिलेगा, तो आप एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करोगे तो आप मान लो ना कि एक, एक, एक यहां पर मिला। अभी मान लो ये अगर नहीं है तो फिर सिमिलरली मान लो कि यहां पर भी अगर आपके पास अगर एक पॉइंट होती यहां पर इस भाई ये वेव फ्रंट इस वाले वेव फ्रंट पर बहुत सारी पॉइंट्स होंगी, यहां पर भी अगर एक पॉइंट्स होती आप इसको अगर सेंटर मान करके फिर से अगर आप एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करते तो समथिंग कहीं यहां पर ऐसे ड्रॉ होता। सिमिलरली ए को जब आप सॉरी ए को जब ए को अगर आप सेंटर मान करके अगर आप एक 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 हेमिस्फीयर अगर आप ड्रॉ करते तो समथिंग कहीं यहां से ड्रॉ होता। और हमें जो हम लोगों को हाइगेंस ने क्या बताया था कि ये जो भी हमारी हेमिस्फीयर जो ड्रॉ होती है या फिर जो भी हमारी सेमी सर्कल जो ड्रॉ होती है उस सारी हेमिस्फीयर को हम टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वही हमारी नेक्स्ट वेव फ्रंट कहलाती है। ये तो बात हो गई, समझने वाली बात हो गई कि एग्जैक्टली जो हाइगेंस है वो क्या समझाना चाहते थे, वो यही समझाना चाहते थे कि ये आपकी आपने एक एट इंस्टेंस आपने कोई एक वेव फ्रंट मान लिया, लेकिन आप दूसरा वाला वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? पहली चीज अगर आपने कहा कि सर अच्छा दूसरा वाला सर वेव फ्रंट तो यहां पर होना चाहिए, लेकिन सच में बताओ क्या ये रे इधर की तरफ आएंगी? नहीं आएगी। अगर रे अगर इधर की तरफ नहीं आ रही है दैट मीन्स इधर की तरफ हमारा वेव फ्रंट बनेगा नहीं। ये कब बनेगा? जब हमारे पास ये वाली सरफेस एक्स वाई सरफेस नहीं होती तब हमारा ये सीई वेव फ्रंट बनता, बट हमारी सारी की सारी जो रे इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि अब वेव फ्रंट ऑब्वियसली बात है भाई इधर ही बन रहा होगा। तो पहला जो आपका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात है तो सिंपल आपने आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे है, आप इस रिफ्लेक्टेड रे के क्या कर लो जस्ट परपेंडिकुलर आप एक अपनी वेव फ्रंट बना लो, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। या फिर अगर आपको एग्जैक्टली समझना है कि हाइगेंस ने क्या बता दिया, हाइगेंस ने यही कहा था कि हमारी ये जो वेव फ्रंट होगी वो नेक्स्ट वाले वेव फ्रंट के लिए ऐसा सोर्स की तरह वर्क करती। अब कैसे बनाते थे? तो उन्होंने कहा कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे कंसिडर करके वी टी मतलब समझ रहे हो ना, अभी हम ये चीज आपको थोड़ी सी बताते हैं। वी मतलब हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है और टी मतलब पर्टिकुलर टाइम है, तो पर्टिकुलर टाइम में हमने ए को कंसिडर करके हमने एक आर्क लगाया जो कि यहां पर पड़ा, बी को कंसीडर करके एक आर्क लगाया जो कि यहां पर पड़ा होगा, सिमिलरली यहां पर भी हम एक कंसीडर करके हम एक आर्क लगाएंगे जो कि समथिंग कहीं यहां पर होगा, और इन तीनों आर्क के आर्क को टच करते हुए हम मिला देंगे तो ये हमारी जो होगी वही हमारी नेक्स्ट वेव फ्रंट होगी। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया किस तरीके से बनाया गया ये वाला वेव फ्रंट? अब बोलोगे ना कि सर ये वेव फ्रंट बड़ा अजीब है, सर ये वेव फ्रंट कैसे बन गया? कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ओके इतनी बात चलो आप बताओगे मेरे को कमेंट करके सर ये बात समझ में आई, मजा आ गया, यहां पे नोट कर लो इतनी बात हो जल्दी से। अब यहां से हम थोड़ा सा लिखने वाला काम करते हैं, सेम वही काम कहेंगे भाई कि हाइगेंस ने कहा कि भाई ये इस ए बी पर हमारी जितनी भी पॉइंट्स होंगी वो सारी की सारी हमारी एज एक सोर्स की तरह वर्क करेंगी एज अ दूसरे वाले वेव फ्रंट के लिए जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से जानते थे, तो वो यानी कि इस पॉइंट पर जितनी भी हमारी सॉरी इस वेव फ्रंट पर जितनी भी हमारी पॉइंट्स होंगी वो सारी की सारी हमारी एक्ट करेंगी एज अ सोर्स की तरह, किसके लिए? सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, यही हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स है रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात समझो, रिफ्लेक्शन के केस में, क्योंकि रे इधर आई ही नहीं। पहली चीज तो आपको ये समझना है सर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों बना दी, ये चीज आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना कि सर ये ऐसे लाइन, ये वेव फ्रंट ऐसे है, ये वेव फ्रंट ऐसे है, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। समझ में नहीं आया तो आप एक बार देखो, फिर भी आप नहीं आता तो आप कमेंट करके आप मेरे को बताओगे। चलो यहां से हम थोड़ा सा लिखने वाला काम कर लेते हैं। देखो हमने कहा सर आफ्टर टाइम टी
देखो ऐसे समझो, हमने कहा सर ये वाली वेव हमारी यहाँ तक पर्टिकुलर किसी टाइम में, पर्टिकुलर किसी टाइम एट इंस्टेंट हमारी वेव फ्रंट पे एक यहाँ पर पॉइंट था, एक वेव फ्रंट पर पॉइंट यहाँ पर था, ए और बी था। हमने कहा सर आफ्टर टाइम टी, अब देखो अब ये वाली जो वेव फ्रंट होगी तो पता हो टी टाइम में ये अब कहाँ जाएगी, तो समथिंग कहीं यहाँ पर मिल रही होगी। अगर हम यहाँ पर अगर एक वेव फ्रंट पर्टिकुलर जितने भी टाइम के बाद अगर हम वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा सर टी टाइम बाद हमने एक वेव फ्रंट हमें मतलब आर्क लगा में, तो हम ये कह सकते हैं इसका नाम हम लोग दे देते हैं डी। ओके हमने कहा देखो आफ्टर टाइम टी हम ये कह सकते हैं क्या कि जितने समय में हमारी जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगी वो बी से जितनी डिस्टेंस बी से डी की होगी, क्या सेम उतने ही ए से सी की नहीं होगी? ऑब्वियस ही बात है। अब देखो ऑलरेडी हमारी जो एस बी है वो ऑलरेडी हमारे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ चुका है, लेकिन अभी हमारी ये वाली जो इंसिडेंट रे है ना वो अभी भी यहीं पर है, तो अब जितना टाइम उसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा सेम उतने ही टाइम में हमारी जो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहां से यहां तक चली जाएगी, बोलो जाएगी ना। टी टाइम बाद वी स्पीड से इस ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वी डी, और टी टाइम बाद ये जो हमारी इंसिडेंट रे है वो ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ए सी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि आफ्टर टाइम टी ये देखो हमारा क्या हो सकता है बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये बात बताओ मेरे को आपको समझ में आएगी नहीं है ना, ये बात आपको समझ में आई? आफ्टर टाइम टी बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा भाई, जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगा, ऑब्वियस ही बात है होगा ही बाई ज्योमेट्री। अच्छा इज इक्वल टू होगा कितना, यानी कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस दैट मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम, जो भी आपकी स्पीड है जो भी आपका टाइम है वो हो जाएगा। अच्छा अब अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको अब यहां समझने से कोई भी नहीं रोक सकता, इतनी बात अगर आपको समझ में आई। अब देखो अच्छा अगर आप किसी भी सरफेस पर अगर आप इंसिडेंट रे फॉल कराते हो भाई, तो वहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो ये इस वाले सरफेस के लिए एक नॉर्मल होगा। सिमिलरली इस वाले के लिए यहां पर क्या होगा भाई, एक नॉर्मल होगा, ये होगा ना, ये मान लेते हैं सर ये हमारा एन है और ये हमारा एन डैश है, सिंपल एक नॉर्मल है। अच्छा तो देखो यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक हमारे पास बन रहा है ए बी सी, और ए बी सी हमारा कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों सर, क्योंकि यहां पर देखो 90 डिग्री का एंगल बना है। ध्यान से देखो ट्राइंगल का फिनोमेना देखो, मतलब बहुत इजी सा होता है ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। ए बी सी ये जो आपका एक ट्राइंगल बना, तो ये ट्राइंगल आपका कैसा ट्राइंगल होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि सर देखो ये आपस में एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है ना, ये वेव फ्रंट ये रे, तो आप वेव फ्रंट और रे आपस में कैसे होती है परपेंडिकुलर होती, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो हमने कहा सर इन ट्राइंगल ए बी सी, यार ये सर पीछा नहीं छोड़ रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड और देखो एक और आपका ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल हमारे कहां पर है, राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल ए, एक हमारा एंगल ए पर ट्राइंगल राइट एंगल मिलेगा और एक हमें एंगल डी पर मिलेगा, एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली। ओके ये आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है चलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो अब आपको पता है कि अगर यहां से अगर रे आती है तो इस यहाँ पे हमारा ये कितना, हम इस वाले को हम क्या बोलते थे, एंगल आई बोलते थे। सिमिलरली यहां से इस नॉर्मल से, देखो नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच, ध्यान से बात को समझना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच हमारा जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, डिस्टेंस आई कहते हैं, और नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो हमारा एंगल बनता है हम लोग उसको आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा तो अगर हम आपसे पूछे, अगर ये वाला अगर हम आपसे एंगल पूछे, चलो ये वाला एंगल बता दो, तो आप बता सकते हो, देखो कितना आसान है, मेरी बात ध्यान समझो। देखो ये जो ए बी रे है, ध्यान से एक बार मेरी बात को समझ लो, बहुत इजीली आप कर सकते हो, ये जो ए बी है ये जो एस बी है, तो ये दोनों एक दूसरे पर देखो कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या सर कि यहां से लेकर के यहां तक हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, बोलो होगा। तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक 90 है, यहां से लेकर के यहां तक ये 90 है, और ये हमारी यहां से यहां तक आई है, तो ये बता दो ये कितना होगा,
ये कितना होगा, तो देखो ये पूरा 90 और 90 में से आई को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स ये जो आपका यहां से यहां तक जो एंगल होगा बच्चे वो होगा 90 माइनस आई, बोलो होगा। और अगर सर ये 90 माइनस आई है तो ये बता दो फिर ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा हमारा एंगल, यहां से यहां तक देखो। तो सिमिलरली यहां से, अब देखो यहां से हमें यहां तक बताना है, तो ये इस वाले नॉर्मल से लेकर के पूरा यहां तक ये बताओ कितना होगा 90 डिग्री, ऑब्वियसली बात है, इस वाले नॉर्मल से लेकर के पूरा यहां तक देखो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो आपको ये पूरा पता चल गया 90, आपको ये भी पता चल गया 90 माइनस आई, तो 90 में से 90 माइनस आई को क्या कर दें हम, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 90 में से 90 माइनस आई को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा भाई 90 माइनस 90 प्लस आई, यानी कि ये कट गया, कितना बचा भाई आई, यानी कि ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक ये हो जाएगा आपके पास आई। क्लियर हुई? चलो सिमिलरली अगर हम बात करें कि आप मेरे को, मतलब देखो ऐसे ध्यान में रखो कि हम ये जो एंगल ले रहे हैं ना वो कहां से, हम इस वेव फ्रंट से और अपने इस सरफेस के बीच का एंगल ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि इस वेव फ्रंट और इस सरफेस के बीच का एंगल आप मेरे को बता दो, तो बता सकते हो। चलो देखो कितना आसान है। तो आपने कहा सर ऐसा है कि ये जो हमारी रे है, ये हमारा जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से यहां तक आई होगा, सॉरी आर होगा। और ये बता दो मेरे को यहां से कि ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा यहां से यहां तक, है ना, ये आपकी वेव फ्रंट है, ये आपकी रे है, तो वेव फ्रंट और रे के बीच में कितने डिग्री एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये पूरा हो गया आपका 90 डिग्री। और अगर ये पूरा 90 है और अगर ये आर है, तो यहां से यहां तक मेरे को बता दो कितना होगा 90 माइनस आर। तो अगर ये 90 माइनस आर है, अब समझो अगर हम आपसे कहें कि यहां से यहां तक टोटल कितना होगा, तो 90 ऑब्वियसली बात है सरफेस और ये नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है 90। मैंने आपसे कहा कि यहां से यहां तक आपके पास 90 है, यहां से यहां तक आपको पता है 90 माइनस आर, तो यहां से यहां तक आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्या करना पड़ेगा, 90 में से 90 माइनस आर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा सर आर आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है, बात समझो, ये वाला जो एंगल है ना, ये देखो कितना हमारे पास एंगल है आर, ये बात आपको समझ में आई, पहले आप कमेंट करके बताओगे। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस ट्राइंगल डी बी सी को और इस ट्राइंगल ए बी सी को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कहें कि हमारी सर इस ट्राइंगल में एंगल ये जो था, एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों आपस में कैसे थे सर 90 डिग्री थे, यानी कि इस ट्राइंगल में एक एंगल हमें कॉमन मिला 90 डिग्री का। तो हमने कहा सर हमारा जो एंगल, देखो ध्यान से देखो, इतनी बात पहले आप नोट डाउन करो, इतनी चीजों को हम मिटाते हैं, ओके मिटा दिया जाए, देखो क्योंकि यहां से बार बार हमें फिगर की रिक्वायरमेंट होगी ना, ओके तो ध्यान से मेरी बात समझो। देखो हमने कहा सर ये हमारा जो एंगल बी ए सी है, हम फिलहाल हम दो ट्राइंगल की बात कर रहे थे, एंगल ए बी सी की हमने बात करी, और सॉरी ट्राइंगल ए बी सी की बात करी थी, और हमने दूसरी हमने ट्राइंगल ले ली थी कौन सी, डी बी सी, चाहे जो भी ले लो DBC। अब हम आपको कॉन्ग्रुएंट लिखना भी सिखाते हैं कि कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से लिखते हैं, रटने वाली एकदम भी जरूरत नहीं है। देखो हमने कहा सर ये हमारा जो एंगल है, एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच होगा। चलो अच्छा अगर हम बात करें सर, देखो इस वाले ट्राइंगल अगर हम कह रहे हैं ABC, तो BC और BC दोनों में कॉमन आ रहा है, तो BC इज इक्वल टू BC दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड है, ओके कॉमन साइड है। अच्छा एक चीज अगर हम और अगर आपस में अगर इक्वल दिखा दे तो मजा आ जाएगा, देखो हाँ बिल्कुल दिखा सकते सर। AC मैंने आपको बताया था, AC और BD की जो डिस्टेंस है वो दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ही सेम टी टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमने कहा सर AC इज इक्वल टू BD, ये आपस में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू VT, दिस इज इक्वल टू क्या है VT है, दोनों ही आपस में VT है, ऑब्वियसली बात है ना। अच्छा तो ये देखो हमारा दो साइड और एक एंगल हमारा आपस में इक्वल हुआ, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये सर कॉन्ग्रुएंट कैसे देखो लिखते हैं, रटना एकदम नहीं है, मेरी बात को ध्यान समझ लो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने ट्राइंगल ए बी सी ही लिखा है, आप ट्राइंगल कुछ भी ले सकते हो, आप एग्जाम में बैठो, आपके दिमाग में कुछ भी आ जाए ना, आप रट करके थोड़ी ना कहो आप कैसे लिखोगे। देखो कैसे लिखते हैं, बहुत इजी सा चीज है, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा
कोई जरूरी नहीं है, पहले आप डीबीसी भी ले सकते हो, लेकिन हमने पहले मान लो एबीसी ले लिया। अब बात समझो, तो एबी, अब देखो जो एबी, क्या कुछ एबी समथिंग इक्वल आपस में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अब यहां से देखो कि हमारा जो एंगल एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। एंगल ए जो है भाई एंगल डी के इक्वल है, और यहां पर एंगल ए पहले लिख दिया गया, एंगल ए पहले लिख दिया गया, तो इसका मतलब कि अब हम इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कौन सा वाला लिखेंगे? एंगल डी वाला साइड लिखेंगे, क्योंकि ए और डी आपस में इक्वल है। ये चीज आपकी क्लियर हुई? अब देखो बीसी इज इक्वल टू बीसी। अच्छा, तो सर क्या डीबीसी लिख दिया जाए? अब बात समझो, यहां से मेरे पास दो ऑप्शन है कि अगर हम डीबीसी लिखते हैं या हम डीसीबी लिखते हैं। दो मेरे पास ऑप्शन है ना, क्यों? क्योंकि अब ये सही होगा या ये सही होगा? बिल्कुल, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए डिफरेंट है। देखो कॉन्ग्रुएंसी में यही तो होता है ना कि उनके जो साइड साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में वो क्या होते हैं, आपस में करस्पॉन्डिंग, उनके साइड का जो मतलब उनके साइड की जो रेशियो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो ये चीज हमें करनी होती ना कि ए बी इज इक्वल ए बी अपॉन डी सी समथिंग, इस तरीके से करना होता है, तो इसलिए ये जरूरी है। कैसे लिखते हैं देखो, तो आपने डी बी सी ये लिखा जाए, क्या लिखा जाए? अब चलो चेक करते हैं। तो देखो लास्ट वाला टर्म देखो क्या है, एसी है। एसी देखो किसके इक्वल है, बीडी के इक्वल है। तो बीडी 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 देखो कहाँ आया, ये आया बीडी आगे वास्तव में, तो ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा, क्योंकि लास्ट वाला देखो कितना आ रहा है डीसी। क्या एसी डीसी के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये वाली चीज गलत होगी। ऐसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी को, समझ में आया? बहुत इजी चीज है, बच्चों वाली चीज है, क्लास टेंथ वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं। चलो जाएं तो धीरे से सीख लो, चुपके से सीख लो, ठीक है, बताना नहीं किसी को। ओके, सर्दी परेशान कर दिया है। देखो तो आपने कॉन्ग्रुएंसी आपने लगा दी, तो अगर आप ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर आपने ए बी सी लिखा, ओके, तो हमने कहा सर हमारा ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ये जो ट्राइंगल डी सी बी है, ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि बाई सी पी सी टी से देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी जो एंगल होगी ए बी सी, ये वाली एंगल ए बी सी, ये वाली एंगल एंगल ए बी सी, ये देखो इक्वल होगी किसके, अगर आपने बी लिया तो यहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, यही पहचान है इस कॉन्ग्रुएंट की, है ना। इसी वजह से हम ये चीजें इतनी यहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, डी सी बी एंगल डी सी बी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स जो आई होगा, दैट इज जो आई होगा एंगल, वो किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। और यही तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। हाँ, याद आया? अब एक चीज और, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया, है ना, दैट इज आप ये बता सकते हो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो बात आप बता सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज हो गया, और दिस प्रूव द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज आपने बता दी, पहली लॉ प्रूव हो गया, मजा आ गया। ओके, अब देखो अब यहाँ से हम लोग सेकेंड लॉ को देखो कैसे प्रूव करेंगे, जो ये बोला जाता था कि हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सभी आपस में सेम पॉइंट पर होते थे। देखो बिल्कुल सही बात है, हमने कहा सर इंसिडेंट रे एस बी नॉर्मल, इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दिया जाए, ए बी सी डी, कुछ और नाम दे दिया जाए, क्या नाम दे दिया जाए बताओ, ए कितना हो गया यार, ए बी सी डी और चलो इसका आप कुछ भी नाम दे दो, ओ एन, ठीक है ना। देखो हमने कहा कि हमारी सर जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, अब देखो ये जो इंसिडेंट रे, ये बताओ ये जो इंसिडेंट रे है वो किस पर नॉर्मल है, ए बी पर नॉर्मल है जो कि हमारी वेव फ्रंट है। सिमिलरली हमारी जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन है वो किस पर नॉर्मल है, वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल है। और हमारी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये बताओ ये किस पर नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर नॉर्मल है। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों हमारी जो रे है
और ये देखो ये तीनों की ये जो जितनी भी चीज़ें वो हमारी सारी की सारी मतलब सेम प्लेन में है, वो किसी दूसरे प्लेन में तो गई नहीं, ये नहीं कह सकते। ठीक है, शायद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया सर्दी की वजह से। देखो कहने का देखो सीन क्या है, हम ये कह रहे हैं ना कि ये जो भी हमारी इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये हमारे सारे के सारे सेम प्लेन में है। तो इससे इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं भाई, यही तो हमारा सेकेंड लॉ था, ठीक है, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ था। तो इस बेसिस पे हमने हमने भी रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है। चलो ये बताओ आपको समझ में आया, मजा आया ये चीज पढ़ करके, है ना, इसके आपके नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ओके, बहुत मजेदार चीज है। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं अपने रिफ्रैक्शन की, बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ओके देखो, चलो आप हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ओके नाउ हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन, है ना, किस तरीके से हाइगेंस ने समझाना चाहा कि भाई रिफ्रैक्शन अब किस तरीके से होता है। तो सेम वही चीज, अब उन्होंने फिर से एक एक जो है प्लेन सरफेस मानी, और इस बार प्लेन सरफेस कैसी होनी चाहिए हमारी जो है, जिसमें रे एक तरह एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम एक सरफेस मानते हैं, और इस सरफेस के इस तरफ हमारा एक मीडियम फर्स्ट है, और सरफेस के इस तरफ हमारी एक दूसरी मीडियम सेकेंड है। बात को ध्यान समझो, बहुत ईजी है ये भी, बहुत ईजी, अगर आपको फर्स्ट वाला का समझ में आया तो ये भी बहुत आसान है। ओके अब देखो क्या हुआ कि हमारी ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इसका हम नाम दे देते हैं एक्स है, और इसका नाम है वाई, मतलब एक्स वाई एक हमारी प्लेन है, जो कि हमारी मीडियम फर्स्ट को और मीडियम सेकेंड को क्या कर रही है, आपस में अलग अलग सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है फिलहाल। ओके कोशिश करते हैं थोड़ी जल्दी करने की, क्योंकि गले में बहुत ज्यादा खिचखिच है। हाँ आप कहोगे सर ये कर लीजिए वो कर लीजिए, हम सब कुछ करके देख चुके हैं, बट मेरी सर्दी सही नहीं हो रही है, ऊपर से नहा भी ले रहे हैं। ओके ओके देखो, तो दो मीडियम है हमारे पास, वन और टू, दो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है हमारी हमारी सरफेस। इस मीडियम ऑब्वियस बात है भाई कि हमारी ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, तो इस मीडियम की वेलोसिटी मतलब इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो मान लेते हैं वी वन होगी, यहां नहीं लिखते कहीं और लिख लेते हैं। वी वन हमारी है मीडियम फर्स्ट की वेलोसिटी, और वी टू हमारी है मीडियम सेकेंड की वेलोसिटी। ये बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है। ओके और सौभाग्य से यहां पर आपके पास जो मान लेते हैं कि सर जो वी वन है वो हमारी वी टू से ज्यादा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ऑब्वियस बात है, मेरे को इतनी बात बता दो कि कौन सी मीडियम रेयर होगी, कौन सी मीडियम डेंसर होगी, बताओ बताओ बताओ। देखो स्पीड की मतलब हमारी मीडियम फर्स्ट की जो मीडियम फर्स्ट में जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर, तो अगर ये ज्यादा है बच्चे तो ये हमारी क्या होगी, हमारी ये रेयर होगी, ऑब्वियस सी बात है ये रेयर होगी, और ये हमारी होगी डेंसर, है ना, ये रेयर होगी और हमारी ये होगी डेंसर होगी। देखो मान लेते हैं कि एट इंस्टेंट हमारी कोई एक वेव फ्रंट है जिसका हमने नाम दे दिया ए बी, एक हमारी कोई एक ये वेव फ्रंट है ए बी, ओके और ए बी है, और अब देखो अगर ये ए बी है तो क्या होगी, मान लो हमारी एक इंसिडेंट रे होगी, सेम उसी तरीके से हमारी एक इंसिडेंट रे होगी, इसका हम लोग नाम दे देते हैं एस ए, और एक हमारी दूसरी इंसिडेंट रे होगी जिसको हमने नाम दे दिया कुछ और, इसका हम लोग नाम दे देते हैं जो कि आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, मैं ये मान लेते हैं यहाँ पर ये दोनों आपस में ही पैरेलल हैं, ठीक है, ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे है, तो इसका हमें नाम क्या देना पड़ेगा, इस बी को हम थोड़ा सा यहाँ पर मान लेते हैं बी, और ए बी सी है ना, एक हमारी दूसरी इंसिडेंट रे है बी सी। अब बात समझो, ये हमारी वेव फ्रंट है, मान लिया ये हमारी जो वेव फ्रंट है एट इंस्टेंट किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर हमारी ये एक वेव फ्रंट है ए बी। अच्छा अब ये जो हमारी इंसिडेंस रे है ऐसे जो भी आप जिसको बोल रहे हो, अब इस वेव फ्रंट देखो पर्टिकुलर इस यहां पर ये हमारा पॉइंट जो है वो इस पर क्या हो गया, मतलब इस वाले पॉइंट इस हमारे सरफेस ए पर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन अभी ये जो इंसिडेंट रे है ये अभी अभी इसके जो पॉइंट्स है वो अभी यहाँ पर हैं। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये हमारा मीडियम नहीं होता, एक्स वाई अगर मीडियम ये नहीं होता तो सोचो क्या होता, सिंपल सी बात है, अगर ये एक्स वाई मीडियम अगर ये नहीं होता तो हमारी रे क्या करती, प्रोपोगेट करती, और प्रोपोगेट करते करते हम ये कहते हैं कि हमारी जो दूसरी वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से बनती, बिल्कुल बनती है ना, और इस केस में हम ये कहते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की हमारी जो डिस्टेंस है और यहां से लेकर के यहां तक की जो हमारी जो डिस्टेंस है वापस में क्या होती, इक्वल होती, अगर ये नहीं होता तब, तब की बात है, क्लियर है इतनी बात, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ये चीज अभी हम केवल आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे थे कि हमारी ये वाली वेव फ्रंट ऐसे, नेक्स्ट वाली हमारी वेव फ्रंट ऐसे बनती, ये हमारी वेव फ्रंट बन जाती कब, इन इन अब्सेंस ऑफ
एक्स वाई, लेकिन अब ये है तो मान लेते हैं सर, देखो हमने यहां सर मान, अब देखो हमारी इस रे का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अब देखो ये हमारी नॉर्मल है, तो आपको पता है कि जब भी कोई अगर इंसिडेंट रे अगर रेयर से अगर डेंसर में आती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रे है वो समथिंग कहीं इस तरीके से क्या होगी, बेंड हो गई, हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अच्छा अब देखो, तो सेम वही कहानी, अब मेरी बात समझ रहा, अगर आपको इस रिफ्रैक्टेड रे पर, अगर हम एक जनरल वे की बात करें, एक जनरल मेथड की बात करें, अगर आप यहाँ पे हाइगेंस के प्रिंसिपल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और बस सुन के केवल एक बात को याद रखो कि हमारी जो वेव फ्रंट होती है और जो रे होती है वो आपस में कैसी होती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती हैं, अगर आप केवल उनकी अगर ये बात याद रखो तो उस बेसिस पे आप क्या करोगे, आप इस रे पर एक दूसरी वेव फ्रंट बनाओगे, एक दूसरी वेव फ्रंट बनाओगे जो कि इस रे के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये तो एक जनरल सा तरीका हो गया सोचने का, यानी कि ये जो है ना आपकी, इसका आप नाम ले दो सीडी, ये आपकी जो सीडी होगी वो आपकी एक वेव फ्रंट होगी, अनदर वेव फ्रंट होगी, जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसको हम क्या नाम देंगे, बहुत दिक्कत है। देखो हमने कहा कि इस मीडियम में हमारी जो जो स्पीड है वो कितनी है, वी वन है, इस वाले मीडियम में हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, वी वन है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर अपने इस वेव फ्रंट की बात करें, इस ए बी वेव फ्रंट की बात करें, तो पर्टिकुलर टाइम पर एट इंस्टेंट हमने ये कोई वेव फ्रंट लिया है। अब हमने कहा कि अगर टाइम अगर टी है, मान लो टी टाइम में, हमने कहा कि टी टाइम में वो यहां तक चली जाती है और कितनी स्पीड से, वी वन स्पीड से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि वी वन इंटू टी। सिमिलरली अब जब ये यहां से यहां तक जब जा रही होगी तो उसी समय है ना, हमारी जो पॉइंट है, इस पॉइंट मतलब ए पर हमारी जो पॉइंट है वो यहां से यहां पर आ रही होगी। अच्छा यहां पर ही कैसे आई, तो सेम वही हम क्या करेंगे। अच्छा देखो अब यहां पर हमारा जो एसी होगा ना, बस समझो एक समय ऐसा भी आएगा कि जितने भी हमारे वेव, जितने भी हमारे क्या कह सकते हैं, जो कि जो भी हमारे वेव के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस एसी पर आए होंगे। अब इस एसी से हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वेव का जनरेशन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि पर्टिकुलर अब जब रिफ्रैक्शन जब हो रहा होगा, तो पर्टिकुलर अब टी टाइम में, अभी भी सेम टाइम है, तो जब ये पर्टिकुलर टी टाइम में जब ये वी जो है, बी से हमारी जो रे है वो बी से सी तक चली गई, तो अब एसी भी तो रे हमारी आगे बढ़ेगी है ना, तो कैसे बढ़ेगी। अब तो हमने कहा भाई वही सेम वही क्या, अब इस मीडियम की स्पीड कितनी है, वी टू है, और टाइम कितना है, टी है, तो क्या हो जाएगा, वी टू टी। यानी कि हमने कहा देखो यहां से हमने एक बात कर दी, क्या बी सी इज इक्वल टू वी वन टी हो जाएगा, और हमारा जो ए डी होगा भाई वो हो जाएगा हमारा वी टू टी। इसके आप नोट्स देख लेना, इसका हम थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहते हैं, आवाज मेरी जो है गायब होती जा रही है। ओके ओके ठीक है, तो हमने यहां पर मिटा क्यों दिया, मैंने यहां से कहा सर कि हमारी जो बी सी होगी वो होगी वी वन टी, ये बात आपको समझ में आ रही है, और जो एडी होगी वो होगी हमारी वी टू टी, ये तो बात आपको समझ में आई है ना। यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम भाई कितना, तो स्पीड इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस कितना, तो स्पीड इनटू टाइम, यहां से यहां तक आने में लगा टाइम कितना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके इतनी बात आपको क्लियर है। अच्छा अब मान लेते हैं कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मान लो आई है, बिल्कुल सही बात है, होगा आई होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, आर होगा। तो आप याद करो कि सबसे पहले आप क्या प्रूफ करते थे, स्नेल्स लॉ प्रूफ करते थे, कैसे प्रूफ करते थे, यानी कि साइन ए अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपलाते थे, अब कैसे लाया जाए। तो उसके लिए आपको जो है, आप ये देखो कि आपका ये वाला एंगल देखो कितना होगा, यानी कि आपको दो ट्राइंगल की जरूरत है, कौन कौन से ट्राइंगल की जरूरत है, तो आपने कहा सर ए बी सी है ना, ये ट्राइंगल ए बी सी, तो इस वाले के लिए आपको आपको ये वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी, और आपको एक दूसरे ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी ए डी सी, ए डी सी। ओके तो देखो हमने कहा सर इस ए बी सी में, हमने कहा कि सर अगर ये देखो, ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बता दो ये कितना हो जाएगा। देखो तो ये टोटल कितना होता है भाई, ये हमारा टोटल होता है 90, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये हमारी वेव, ये हमारा वेव फ्रंट है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये पूरा 90 है और ये हमें आई पता है, तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा
90 माइनस आई, तो अगर ये 90 माइनस आई तो सेम वही कहानी फिर से, ये कितना हो जाएगा आपके पास आई होगा। सिमिलरली अगर हमने कहा कि सर अगर ये अगर आपका अगर 90 डिग्री है, देखो ये आपकी वेव फ्रंट है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है ना, तो रिफ्रैक्टेड रे और वेव फ्रंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये अगर 90 डिग्री का अगर एंगल है तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल देखो हम इसको निकाल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस का आर, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा 90, तो ये 90 माइनस आर हो गया। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा आर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 90 देखो 90 और ये प्लस 90 माइनस आर इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि x है प्लस x, भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 180 हो गया। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 180 और ये r इधर जाएगा तो प्लस का r, 180 से 180 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू कितना आया r। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, r होगा। अच्छा अब देखो, तो हमने कहा सर हमें इस ट्राइंगल, हमने कहा कि इस ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, ध्यान समझना, तो अगर हम बात करें देखो ये हमारा जो एंगल है ना, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के सामने की हमेशा जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो हमने कहा सर क्या कि साइन, आप इसको लो साइन आई इज इक्वल टू, देखो क्या होगा साइन आई, साइन थीटा का फॉर्मूला आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अगर ये आपका थीटा है, सॉरी ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका होगा बेस, ये आपका होगा बेस, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है आपकी वी वन टी अपॉन हाइपोटेनस, देखो क्या है ए सी, क्लियर हुई बात। सिमिलरली हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, तो इन ट्राइंगल ए डी सी में देखो कितना हो जाएगा साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये आप कह रहे हो सर अगर हमारा ये अगर आर है, ये आ रहा है, तो भाई देखो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी हमारी हाइपोटेनस होगी, ये आर है तो ये आर अगर है तो ये हमारा क्या होगा बेस होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपकी होगी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए डी। अब ए डी देखो कितना है वी टू टी अपॉन ए सी अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो साइन आई अपॉन साइन आर करो, साइन आई अपॉन यही तो आपको चाहिए होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, देखो ये कितना हो जाएगा वी वन टी अपॉन ए सी अपॉन वी टू टी अपॉन ए सी, ये ए सी से ए सी कैंसिल, ये टी से टी कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर, दिमाग खराब हो गया आज नहीं, ओके ओके ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इसी पढ़ते, देखो कितना हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू, और V1 अपॉन V2 का मतलब क्या होता था, हम इसको कहते थे 1 एंड 2, यही तो मतलब है, दैट मीन्स 1 एंड 2 का मतलब क्या है कि तुम्हारा स्नेल लॉ, ये हमारा स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, दैट मीन्स 1 एंड 2 का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आपकी स्नेल लॉ है। तो मजा आया, आप ये मेरे को बताओगे कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।